नमस्कार दोस्तों। तो पिछले साल के अक्टूबर महीने के आसपास ये वाला स्मार्टफोन मतलब आईक्यू Z5 इंडिया पे लॉन्च हुआ था। 25,000 के अंदर बेस्ट ऑलराउंड वाला गेमिंग स्मार्टफोन था। और रिसेंटली इंडिया पे लॉन्च क्या हुआ है, आईक्यू Z6 प्रो, जो कि नाम से तो लग रहा था कि Z5 का अपग्रेड वर्जन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली एक अलग स्मार्टफोन है जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिकेशन Z5 जैसा मिलेगा, लेकिन बहुत सारे स्पेसिफिकेशन टोटली अलग मिलेगा। लेकिन अभी मैं इस वीडियो पे जो स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ उसी हम कहेंगे इस आईक्यू Z5 का 100% अपग्रेड वर्जन, मतलब जिसका नाम इंडिया पे होगा आईक्यू Z7 वाला स्मार्टफोन। तो इसलिए इस वीडियो में बताएंगे कि इस आईक्यू Z7 वाले स्मार्टफोन में एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन होगा, कब आएगा और किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और इस स्मार्टफोन रिलेटेड एक्सक्लूसिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। अब देखिए काजल की जो आईक्यू Z7 वाला स्मार्टफोन रिसेंटली जो आईक्यू नियो 6 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली उसके जैसे इसका डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। और हर बार की तरह इस बार का जो आईक्यू Z7 उसमें आपको टोटल 3 कलर मिलेगा, जो कि ब्लैक, एक ऑरेंज और एक रेनबो टाइप का कलर। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 9.21 मिलीमीटर और इसका वेट है 202 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.58 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले। उसके साथ आपको मिलेगा 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट। इसके डिस्प्ले का मैक्सिमम ब्राइटनेस है 650 nits। इसमें आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसका मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91% के आसपास। और आईक्यू के बाकी स्मार्टफोन के जैसे इसमें भी आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब ये चीज कह सकते हैं इसका जो डिस्प्ले वो एग्जैक्टली पिछले बार मतलब जो आईक्यू Z5 पूरा उसके जैसे इसका डिस्प्ले। लेकिन इस स्मार्टफोन का मेन खासियत होने वाला इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा Dimensity 8000 वाला प्रोसेसर। अब देखिए इससे ये गलती मत करना कि Dimensity 8100 इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस में बहुत ही कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Dimensity 8000 और 8100 के बीच में परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगा Dimensity 8000 वाला प्रोसेसर, उसके साथ आईक्यू की तरफ से आने वाला 5-लेयर कूलिंग चैम्बर। कैमरे में आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके मेन सेंसर मतलब इस 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आपको EIS का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मतलब इसका जो कैमरा वो एग्जैक्टली आईक्यू Z5 के जैसा ही है। ये जो स्मार्टफोन काजल की टोटल 3 वेरियंट पर लॉन्च होगा, 8 120GB, 8 256GB और 12 256GB, टोटल 3 वेरियंट पे लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR5 और इसका मेमोरी का क्वालिटी है UFS 3.1। और इसके साथ आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। और आईक्यू के बाकी स्मार्टफोन के जैसे इसमें आपको 4GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। अब बैटरी अगर बात करें, यही एक्चुअली मेरा सबसे पसंदीदा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें आपको 6000mAh बैटरी मिलेगा और उसके साथ 44W का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। इसके बाद अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर की अगर बात करता हूँ, आपको इसे मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक 100% मिलेगा, और स्पीकर भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़, ये जो स्मार्टफोन कब इंडिया पे लॉन्च होगा और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। तो देखिए अभी ये जो स्मार्टफोन सबसे पहले सर्टिफिकेशन साइड में आ चुका है, तो मतलब कह सकते हैं कि मई महीने के आखिर पे या फिर जून महीने के स्टार्टिंग के आसपास सबसे पहले चाइना पे लॉन्च होगा, और उसके बाद जितना मुझे लग रहा है जुलाई महीने के आसपास इंडिया पे लॉन्च होने का सबसे ज़्यादा चांस है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक मेरे सोर्स की तरफ से ऐसा मालूम चला है इस स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में 27,000 रुपए के आसपास, क्योंकि इसका जो पुराना वाला मतलब जो आईक्यू Z5 उसका बेस वेरिएंट इंडिया पे अवेलेबल है 22,000 रुपए पे, और जो आईक्यू Z6 प्रो उसका बेस वेरिएंट इंडिया पे अवेलेबल है 23,000 रुपए के आसपास। तो अभी हर वीडियो में जैसे इस वीडियो में आपको कहूंगा कि क्या जो आईक्यू Z7 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए एज ए आईक्यू Z5 यूजर, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं 100% इस आईक्यू Z7 वाले स्मार्टफोन को लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो आईक्यू Z5 मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये चीज बोल सकता हूं स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती इसमें इशू निकालने की कोशिश करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर प्रोसेसर स्लाइटली बेटर होता, अगर बैटरी स्लाइटली बेटर होता तो और भी ज्यादा बेटर रहता। तो इसीलिए जो नया वाला फोन आने वाला है स्नैपड्रैगन 770G के बजाय नया वाले पे आपको मिलेगा Dimensity 8000 और इसमें आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, लेकिन नया वाले पे आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी। तो मतलब ये चीज समझ लीजिए जो आईक्यू Z7 वाला जो स्मार्टफोन आने वाला है उसमें आपको आईक्यू Z5 का हर फीचर मिलेगा,
प्लस आपको एक्स्ट्रा बैटरी और उसके साथ आपको बेटर क्वालिटी का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो मतलब वीडियो का आखिर में मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है अगले 2 या 3 महीने के अंदर 27,000 रुपए पे आने वाला सबसे बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने वाला अगर कोई स्मार्टफोन, तो 100% आपको इस अपकमिंग IQOO Z7 वाले स्मार्टफोन को ही लेना चाहिए। तो अभी आप मुझे जो कमेंट में जरूर बताने कि जो IQOO Z7 वाला जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इसका स्पेसिफिकेशन और प्राइस देखा को क्या लगा, और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है तो क्या इस प्राइस पॉइंट में आप इसे लेना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा फोन लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।